15 अप्रैल 1996 पेप्सी कप शारजा, सचिन तेंदुलकर 118 रन 140 बॉल, नवजोत सिंह सिद्धू 101 रन 117 बॉल। शारजा मैदान पर 15 अप्रैल 1996 को खेले गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस रोमांचक मुकाबले को याद किया जाता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की 140 बॉल में खेली गई 118 रन की पारी, नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन के बीच हुए पार्टनरशिप के विश्व कीर्तिमान और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए। दोस्तों, हमारी आज की इस खास प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत बनाम पाकिस्तान के बीच दर्शकों से खचाखच भरी शारजा मैदान पर पाकिस्तान के शर्मनाक हार और भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों से इंडियन टीम के हिस्टोरिक विन की रोमांच से भरपूर एक और कहानी, क्रिकेटिया भैया की जुबानी। उस दिन टॉस जीतकर भारतीय कप्तान मोहम्मद असरुद्दीन ने पहले बैटिंग का फैसला लिया और शारजा मैदान पर सचिन तेंदुलकर और विक्रम राठौड़ भारत के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। विकेट पर आए सचिन और विक्रम राठौड़ ने खेलना शुरू किया। वकार यूनुस बॉल डाल रहे थे और स्ट्राइक पर विक्रम राठौड़ थे। भारत का स्कोर 9 रन था। तभी वकार की गेंद पर 12 बॉल में 2 रन बनाकर खेल रहे विक्रम राठौड़ ने बॉल को ड्राइव किया। बॉल हवा में उछली पर फील्डिंग पर मुस्तैद इंजमामुल हक ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और भारत का स्कोर 9 रन पर 1 विकेट हो गया। राठौड़ आउट हुए और विकेट पर सचिन का साथ देने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू आए। इसके बाद सचिन और सिद्धू ने आगे खेलना शुरू किया। पाकिस्तान एक के बाद एक बॉलर चेंज कर इस पार्टनरशिप को जल्दी तोड़ना चाह रही थी, पर सचिन और सिद्धू बढ़िया लय में शॉट खेल रहे थे। मैच आगे बढ़ता गया। भारत के 240 रन के स्कोर पर वकार यूनुस की गेंद पर 140 बॉल्स में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 118 रन पर आउट होने से पहले तेंदुलकर ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 231 बॉल्स पर 240 रन की पार्टनरशिप करते हुए किसी भी विकेट के लिए दो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन के पार्टनरशिप का क्रिकेट रिकॉर्ड बना दिया। सिद्धू और सचिन के द्वारा दूसरे विकेट के लिए बनाए गए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बदौलत इस मैच में भारत की जीत की संभावना से इंडियन क्रिकेट फैंस जहां उत्साहित हो रहे थे, वहीं पाकिस्तानी खेमा स्तब्ध बैठा हुआ था। सचिन के आउट होने के बाद विकेट पर बैटिंग के लिए अजय जडेजा आए। जडेजा और सिद्धू ने आगे खेलना शुरू किया। भारत के 245 रन के स्कोर पर सईद अनवर के द्वारा रन आउट होने से पहले सिद्धू ने 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए केवल 117 गेंद पर 101 रन की इनिंग्स खेली। सिद्धू का आउट होने के बाद विकेट पर जवागल श्रीनाथ को आता देख सभी हैरान थे। कप्तान अजहरुद्दीन का ये फैसला चौंकाने वाला था, पर पिंच हिटर के रूप में मैदान पर उतरे श्रीनाथ ने 10 बॉल में 2 चौके लगाकर अताउर रहमान की गेंद पर आउट होने से पहले भारत के स्कोर में 16 रन का इजाफा कर दिया। भारत के 264 रन के स्कोर पर श्रीनाथ आउट हो गए। इस मैच में श्रीनाथ के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर उतरे। अब ओवर्स कम बचे थे, इसलिए जडेजा और अजहरुद्दीन हर बॉल पर शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी प्रयास में भारत के 281 रन के स्कोर पर 13 बॉल में 1 गगनचुंबी छक्का लगाकर खेल रहे अजय जडेजा इस मैच में वकार यूनुस के तीसरे शिकार बने। इसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए संजय मांजरेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। आखिरी ओवर्स में स्ट्राइक अपने पास रखते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत के स्कोर को 5 विकेट पर 305 रन तक पहुंचा दिया। ये उस वक्त किसी भी एक दिवसीय मैच में अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ 300 रन से ऊपर टीम इंडिया का सर्वाधिक स्कोर था और इसी के साथ इंडियन टीम के साथ इस मैच में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया। पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स में इस मैच में वकार यूनिस सबसे सफल रहे। उन्होंने अपने 10 ओवर्स के स्पेल में 44 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा अताउर रहमान ने 1 विकेट जरूर लिया, पर भारतीय टीम ने उन्हें ढूंढते हुए उनके 10 ओवर्स के स्पेल में 83 रन बटोरे। आकिब जावेद, आमिर सोहेल और सकलेन मुश्ताक को इस मैच में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद भारत के लिए 306 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आमिर सोहेल और सईद अनवर मैदान पर उतरे।
पाकिस्तान के 16 रन के स्कोर पर वेंकटेश प्रसाद ने 4 बॉल में 2 रन बनाकर खेल रहे सईद अनवर को आउट करते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट डाउन राशिद लतीफ उतरे। लतीफ ने अगले विकेट के लिए तेजी से 31 बॉल्स में 50 रन बनाकर पाकिस्तान को कुछ उम्मीद जरूर दिलाई, पर वो कुंबले की स्पिन से बीट हुए और पाकिस्तान के 88 रन के स्कोर पर कुंबले ने पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। लतीफ के आउट होने के बाद सेकेंड डाउन इजाज अहमद विकेट पर आए। इजाज अहमद और आमिर सोहेल ने अगले विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को इस मैच में वापसी दिलाने की कोशिश की, पर उनकी इस उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर गया जब 76 बॉल्स पर 78 रन बनाकर खेल रहे आमिर सोहेल रन आउट हो गए और पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 172 रन हो गया। आमिर सोहेल के आउट होने के बाद सलीम मलिक एजाज अहमद का साथ देने विकेट पर पहुंचे। दोनों के बीच अभी 18 रन की पार्टनरशिप हुई थी, तभी जवगल श्रीनाथ ने 51 बॉल्स पर 42 रन पर खेल रहे एजाज अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस विकेट के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 190 रन हो गया। एजाज अहमद के आउट होने के बाद इंजमामुल हक मैदान पर उतरे। सलीम मलिक और इंजमामुल हक ने आगे खेलना शुरू किया। पाकिस्तान के स्कोर में भी 9 रन का इजाफा हुआ था, तभी इंजमामुल हक 11 बॉल्स में 6 रन बनाकर वेंकटेश प्रसाद की बॉल पर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 199 रन पर 5 विकेट हो गया था। इंजमामुल हक के आउट होने के बाद बासित अली मैदान पर आए। बासित अली और सलीम मलिक ने इस अगले विकेट के लिए 49 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खुशी से नाच रहे थे, पर उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी और इस पार्टनरशिप के सीनियर खिलाड़ी सलीम मलिक जल्दबाजी में 50 बॉल पर 42 रन बनाकर कुंबले के शिकार बने। इस विकेट के साथ पाकिस्तान का स्कोर अब 6 विकेट पर 248 रन था। इस मैच में इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद पाकिस्तानी इनिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और उनके अगले 4 खिलाड़ी केवल 29 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान 277 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस ऐतिहासिक मैच को 28 रन से जीत लिया। इस मैच में भारत की तरफ से बॉलर्स में जवगल श्रीनाथ ने 10 ओवर से 63 रन पर 3 विकेट लिए। इसके अलावा वेंकटेश प्रसाद ने 64 रन पर 2 विकेट, अनिल कुंबले ने 9 ओवर्स में 38 रन पर 2 विकेट और सचिन तेंदुलकर ने 7.1 ओवर्स में 40 रन पर 2 विकेट लिया। सचिन तेंदुलकर के 140 बॉल्स में खेले गए 118 रन और 40 रन पर लिए गए 2 विकेट के लिए उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, 15 अप्रैल 1996 को शारजा में खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान के इस क्रिकेट हाइलाइट्स पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर भारत की इस हिस्टोरिक विन की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इसी तरह की और धासु प्रेजेंटेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की एक और प्रेजेंटेशन के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।